नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैटिक में। दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ आपने बहुत सी बाइक्स में या फिर स्कूटर्स में देखी होगी, और आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ये जो चीज़ है इसका क्या काम है, और कंपनी ने इसको जो बाइक्स है उसमें क्यों दिया हुआ है। कुछ मोटरसाइकिल्स में होती है, कुछ में होती भी नहीं। तो जिन मोटरसाइकिल में होती है उसमें क्या इसका बेनिफिट है, क्या ये काम कैसे करती है, ये सब सवाल आपके मन में आते होंगे। तो इसी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला सब्सक्राइब हूँ। करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये जो पार्ट है इसे एयर सक्शन वॉल कहते हैं, और ये खास करके इमिशन कंट्रोल के लिए दिया जाता है। तो ये वर्क कैसे करता है ये भी हम देखने वाले। तो ये जो हुंडई के ऑलमोस्ट सारे बाइक्स में और स्कूटर्स में आ जाता था पहले से ही, और आजकल तो हर एक स्कूटर्स और मोटरसाइकिल के साथ इसे दिया जा रहा है। तो इसका रीज़न एक ही है, पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें खास करके तीन पाइप्स होते हैं। ये जो पाइप है, ये जो हमारी एयर है, मतलब हमारे जो वातावरण है उसकी जो एयर है, ये अंदर लेने के लिए ये पाइप होता है, और इसके बीच में फिल्टर लगाया होता है। कुछ बाइक्स में ये जो पाइप है ये डायरेक्टली हमारे जो मेन फिल्टर होता है, एयर फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर, उसमें ही छोड़ दिया जाता है। दूसरा जो पाइप है, ये जो ये है, ये एग्जॉस्ट में जाता है, जो हमारा साइलेंसर है ना उसमें जाता है। ठीक है, और तीसरा पाइप आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये तीसरा पाइप है, ये हमारे इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है, मतलब कार्बोरेटर के आगे जो पाइप होता है, मतलब इनलेट वॉल है ना उसमें जाता है। तो अब हम देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो ये एक वन वे वॉल जो होता है उसी तरह, उससे सिमिलर ही होता है, लगभग वैसा ही होता है। तो ये जो होता है ये क्या करता है, जो हमारे जो बर्न हुआ कम्बशन है उसके जो गैसेस है उसमें कार्बन मोनोडाऑक्साइड और भी हार्मफुल गैसेस होते हैं, तो उसमें अगर हम ऑक्सीजन छोड़ दें, मतलब जो हमारी बाहरी जो हवा है, फ्रेश एयर है, वो हम एग्जॉस्ट में छोड़ दें, तो एग्जॉस्ट से होने वाला जो पोल्यूशन है उसमें कार्बन मोनोडाऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हार्मफुल और भी गैसेस है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मतलब हम जो कम्बशन गैस जो एग्जॉस्ट में जाता है उसके साथ फ्रेश एयर भी छोड़ दे, तो जो हमारा होने वाला पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आसान शब्दों में आपको समझाया जाए तो क्या करते हैं हम, जब चाय बनाते हैं तो शक्कर ज़्यादा हो गई उसमें, तो हम पानी मिला देते हैं उसमें, तो वो एक बैलेंस होता है। उसी तरह अगर ज़्यादा हार्मफुल गैसेस है उसमें हम अगर फ्रेश एयर मिला दें, फ्रेश एयर मतलब ऑक्सीजन मिला दें, तो उसकी जो कैपेसिटी है, हार्मनेस की कैपेसिटी है और क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और जो हमारा जो एयर का पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इतना सिंपल इसके इसको देने का रीज़न है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अभी हम इसका डेमो देखेंगे। तो ये क्या करता है, जो फ्रेश एयर है वो एग्जॉस्ट में खींच लेता है, तो एग्जॉस्ट से उल्टी एयर आनी नहीं चाहिए। अगर एग्जॉस्ट से जो एयर उल्टी इसमें आ जाती है तो ये डैमेज कर देगा, और भी नुकसान हो सकते हैं, और इसका वर्किंग भी बंद हो सकता है। तो इसलिए ये वन वे की तरह दिया है। और जो एक इनलेट में पाइप गया है वो क्या करता है, जो कार्बोरेटर के आगे इनलेट में वैक्यूम है या फिर निगेटिव और पॉजिटिव पल्सेस है उसको सेंस करता है, और इसको एक्टिव और डीएक्टिव करता है। तो इसके लिए ये पाइप दिया हुआ है जो कार्बोरेटर के आगे गया है मैनिफोल्ड में। ठीक है, तो ये तो साइलेंसर का ये बता दिया, और ये हमारे फ्रेश एयर अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। ये जो पाइप है फ्रेश एयर का वो तो मैंने निकाल ही दिया है। तो ये कागज़ की मदद से हम देखेंगे, ये देखो ये हवा अंदर रह रहा है, जैसे मैं रेस करता हूँ ये देखो, और मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ तो हमारी जो बाइक है उसके आरपीएम एकदम डाउन हो जाएगी, ये देखो ये देखो, और थोड़ी देर बाद हमारी जो बाइक है वो बंद पड़ेगी। इसको ब्लॉक भी आप कर सकते हो, बंद पड़ेगी ऐसा नहीं, लेकिन आपको कार्बोरेटर से आरपीएम बढ़ानी होगी तभी हमारी जो बाइक है वो चालू रहेगी। मतलब ये वर्क एकदम 100% करता है, और इससे हमारी जो बाइक है ये उसके जो हमारी आरपीएम बाहर करते की हैं। एयर सक करता है, ये जैसे ही हम गाड़ी एक्सेलेरेट करते हैं हमारे जो एग्जॉस्ट का मतलब साइलेंसर के अंदर का जो प्रेशर बढ़ता है उसी हिसाब से इसका जो एयर सक करता है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। जैसे हम रेस करेंगे तो ये ज़्यादा एयर अंदर सक कर देता है, और हम एक्सीलेटर छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डीएक्टिव कर दिया जाता है। आइडलिंग पे भी थोड़ी एयर अंदर
कुछ लोगों के लगता है ये परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है, कुछ लोग इसे इजी आरओ वाल्व भी समझते हैं। इजी आरओ जो वाल्व जो होता है वो उसके वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है, वो क्या है एग्जॉस्ट का गैस रिसर्कुलेट करता है, लेकिन इसके वर्किंग प्रिंसिपल इजी आर से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल उल्टी है। ये क्या फ्रेश एयर एग्जॉस्ट में छोड़ देता है, इजी आर जो होता है वो एग्जॉस्ट की एयर हमारी इनलेट में छोड़ता है। तो ये इजी आर नहीं है, ये एयर सक्शन वाल्व है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी समझ में आया होगा, कुछ आइडिया आई होगी इस एयर सक्शन वॉल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।